जय जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले तो आज आप सबको बधाई हो कि आपकी मेहनत रंग लाई और आज जो हमारे मेरठ में 15 दिन से ज्यादा जो हमारे एक सेना के सूबेदार साहब और उनके कुछ साथी जेल में थे, आज उनकी जमानत हो गई है। यहां मैं थोड़ी सी डिटेल और आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां जमानत हो गई तो कुछ जो चमचे हैं, अड़छे करचे हैं, जो हमारे एंटी हैं, वो लोग कहेंगे कि जमानत तो भाई कानूनी कार्रवाई है, जमानत तो होनी ही थी, इसमें आपका क्या रोल है या हमारे इस चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ का क्या रोल है। तो यहाँ रोल का भी बता देता हूं कि अभी जमानत हुई है और जमानत के बाद ही वहां उनके बच्चों के पास मैसेज भेजा गया है कि रविंद्र फौजी से बुलवाकर वो वीडियो डिलीट करवा दो। तो एक तो ये रोल है कि अगर हमारा रोल नहीं तो उनको कहने की जरूरत ही नहीं, जी वीडियो डिलीट करवा दो। दूसरी बात और बता देता हूं उन चमचों को, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां जो इस केस को देख रहे थे उनके जो मामा के लड़के सिरोही साहब, जिन्होंने मेरे को बताया कि जी वीडियो डिलीट करने का आ रहा है, क्या करना है, तो मेरा भी विचार का कि मैं अपने चैनल के दर्शकों से पहुंचूं। और दूसरी एक इसमें उन्होंने ये भी बताया कि जी हमारे पास एक कोई अफसर है जो मेजर है या कैप्टन है, अभी ऑन ड्यूटी है, तो बोला वो उनसे भी हमने कहा था मदद करने के लिए, तो बोलते हैं कि क्या मतलब रविंद्र फौजी के पीछे पड़े हो, ये वो है फलाना ढिगड़ा, उसने कुछ ऐसी दो चार बातें बोली हैं। हालांकि मैंने बोला कि उनकी औकात नहीं है कि वो ऐसे बोल सकें, चलो फिर भी बोल दिया होगा। तो यहाँ मैं उनके विषय में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने बोला कि भाई आप उसका नंबर भेजो, मैसेज भेजो और उसको हम अलग से जवाब देंगे। लेकिन ऐसे ही और भी चमचे अड़से करचे ये सवाल करेंगे जी जमानत में आपका क्या रोल है। आपको बता दूं कि पुलिस ने ऐसी ऐसी धाराओं में उन्हें जेल भेजा था जो गैर जमानती थी, जिनकी 6 महीने पहले जमानत नहीं हो सकती थी, और जो कि पुलिस ने कहा था कि हम फौजियों की मरोड़ निकाल देंगे और इस साहब की नौकरी खा जाएंगे ताकि बाकी फौजियों पर भी पुलिस का खौफ बने। ये वहां की चाल थी और घटना, हथियार लूटना, पुलिस के साथ मारपीट, पुलिस की कनपटी पर हथियार छीनकर हथियार लगाना, जान से मारने की कोशिश, इस तरह आप सबको मैं पहले दिखा रख चुका हूं। ये आप देख सकते हो, 9 धाराएं लगाई थी कि मतलब फौजी को बिल्कुल ही बर्बाद करके छोड़े। लेकिन उनको मैंने कह दिया था कि मजबूर मत करो किसी को, पान सिंह तोमर जैसे। पान सिंह तोमर खुद मेरे ही महकमे से थे, मेरे खुद मतलब हमारे उनकी जो पिक्चर बनी है वो हमारे ही सेंटर में बनी, और उनका जो हमने पिक्चर में देखा और उनके साथ जो अत्याचार हुआ उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का रोल नंबर 1 पर था, पुलिस के कारण उनको हथियार उठाना पड़ा। अगर ऐसे ये जो साहब जिनकी 20 साल नौकरी है, कोई भी जैसा कि उनके भाई ने भी बताया था कि कोई उनका रिकॉर्ड खराब नहीं है, ना आगे ना पीछे, कोई मतलब ना सेना में ना बाहर, लेकिन ऐसे आदमी को जब ये एक झूठी कहानी बनाकर, झगड़ा कहीं और हो रहा था, पुलिस वहां से निकल रही थी, उनके बच्चों के साथ झगड़ा होता है, फिर इनके साथ आपस में तू-तू मैं-मैं होती है और बात खत्म भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद एक ईगो दिखाने पर इस तरह की घटना, और या फिर इसके पीछे बहुत बढ़िया षड्यंत्र भी हो सकता है जिसके लिए हमने वहां के बहुत से विधायक सांसद योगी जी तक ये बातें पहुंचा दी है कि चुनाव के समय सरकार की छवि गिराने के लिए इनको पता है कि इस तरह कर दो और फौजी एक आंदोलन सा कर देंगे, तो पूरे सरकार की स्थिति खराब करने के लिए भी हो सकता है। तो जरूरी है कि हमने कहा था उस दिन हमारे फौजी गलती है तो सजा भुगतेंगे, लेकिन अगर पुलिस ने झूठा आरोप लगाया है तो अभी वीडियो डिलीट नहीं होंगे, अभी उन पुलिस वालों पर जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, वो दरोगा कौन सा मोइंस खान है कि कौन सा है, और उसके और 3-4 जनों ने जो एक झूठी घटना फैक बनाई है, उस फैक स्टोरी का सार बाहर आए। पहले भी आपको पता है यूपी पुलिस ने एक फैन का एनकाउंटर किया था, एक लड़के को मारा था, और फिर उसमें आज तक 2011 या 12 के लगभग की स्टोरी है जिसमें 14 पुलिस वाले एक साथ अभी तक कारावास काट रहे हैं, और उसमें इन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों ने इनको घोषणाएं कर दी थी जी इन्होंने बॉम्ब मार दिया, फलाना मार दिया। तो यहां एक बार फिर कहूंगा मैं,
पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ठीक है किसी एक से गलती हो जाती है, कोई एक द्वेष रखता है, वैसे तो मैं कई बार कह चुका हूं कि क्या मतलब है ये द्वेष रखने का। अरे हम कोई मतलब बाहर से फौजी कोई दूसरी देश से आके या कोई फौज की नौकरी कर रहा है क्या? आप ही के बीच से हम लोग वहां जा रहे हैं, हमने तो कहा है कि हम आप हमें बड़ा भाई मानो कि हम बाहर की सुरक्षा कर रहे हैं, आप आंतरिक सुरक्षा कर रहे हो। बेल्ट सर्विस होने के नाते आपको बेल्ट सर्विस की इज्जत करनी चाहिए, वर्दी के नाते वर्दी की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन ये द्वेष भावना कि जी फौजी बस नाम सुना इसको फंसा लो या तो मोटी रकम। कुछ लोग तो आज भी अच्छी सैलरी होने के बावजूद पुलिस महकमा सुधरा नहीं है, ये रेडी से रिक्शा से ट्रक ड्राइवरों से जो दिन रात बेचारा मेहनत करके अपना घर पाल रहा है, उन लोगों से जो बोलते हैं ना कुत्ते की तरह पैसे मांगते, एक चोर डाकू की तरह। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पर, फिर एक पहले भी घटना हुई थी आपको पता है यूपी में, जिसका हमने इतना हाईलाइट किया था, फिर वहां का एसपी मतलब हमारे को दबाने के लिए कहता था जी रविंद्र फौजी तो ऐसे ही उल्टा सीधा बोलता है, पैसे मांगता है। अरे हम तो हमारे इस चैनल को बढ़ाने के लिए और मजबूत संगठन के लिए और इस तरह के जो घटनाएं आती हैं फिर हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हम पैसे मांगते हैं, एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मांगते हैं, खुलेआम अपने भाइयों से कहकर मांग रहे हैं, अपने जवानों से। लेकिन जो तुम लोग करते हो, जिसके लिए बोलते हैं ना पुलिस वालों की कुत्तों की हरकत जाती नहीं है, उसको क्यों नहीं सुधार रहे? आज इतनी सैलरी के बावजूद ये 10 रुपया 20 रुपया गाड़ी ट्रैफिक वाले, अरे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ इस वर्दी की इज्जत। जिस मैं मेरा तो हमने तो कभी सरकार से कहा नहीं कि हमारी पेमेंट बढ़ाओ ये बढ़ाओ, हमारी ये लड़ाई तो है ही नहीं। हम तो हर एक उस जवान के लिए, चाहे वो जवान सेना का हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स का हो, यहां तक कि चाहे पुलिस का जवान हो, हम उन सब की आवाज इस चैनल पर उठाते हैं। जवानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, मड़ाई हर डिपार्टमेंट में, पुलिस महकमे में नीचे वाले जवान बदनाम है, वो बेचारे वैसे अपनी खुशी के लिए जो 10-20 रुपए लेकर जो मोटा डकार रहे हैं पब्लिक का पैसा, चाहे वह आबकारी विभाग से हो, ठेकों से पैसा वसूली करना हो, खनन माफिया हो या बड़े बड़े, वो तो बड़े बड़े अधिकारियों के पास ही जाता है। इनकी संपत्ति का मैंने तो कहा था कराओ संपत्ति की जांच, रविंद्र फौजी गलत है तो रविंद्र फौजी करा देगा, और आप अगर कोई ईमानदार है आ जाओ, चाहे वो सेना के अधिकारी हो चाहे पैरामिलिट्री के पुलिस के, आ जाओ और जांच करवा दो, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। हालांकि वो विषय अलग रहेगा और उन लोगों को हम जवाब देंगे, लेकिन इस विषय का बताने का मकसद यही था, हमारी जवानों की जमानत हो चुकी है, आगे अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई जारी रहेगी। या तो उन 3-4 को जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, झूठी कहानी बनाई है, उनको सजा हो, ऐसे लोगों को जिन्होंने वर्दी का अपनी पावर का मिसयूज करके और एक जवान को 15 दिन जेल में रहना पड़ा है, उसके लिए ठोस कार्रवाई हो, अन्यथा फिर आंदोलन अभी भी होगा। अभी भी हम तारीख तय करेंगे, उनके घर वालों से हम बात कर रहे हैं, ये ना समझे, और जमानत फिर कह रहा हूं कि ऐसी ऐसी धाराओं थी होनी नहीं थी, लेकिन ये सब आपकी ताकत है, आप लोगों ने जो वीडियो शेयर करा, ज्यादा से ज्यादा इसको वायरल किया, उससे जमानत हुई है। और अभी कहीं ना कहीं वीडियो डिलीट करने के वो आ रहे हैं, या आप लोग ही तय करोगे कि वीडियो डिलीट होगा या नहीं होगा, या मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, वो उनके घर वाले उनका क्या व्यू है वो बताएंगे। मेरे पास इस विषय में कोई फोन ना करे, मेरे चैनल के दर्शक अगर कहेंगे, मेरे से जुड़े हुए जवान कहेंगे, वो मैं कर सकता हूँ, चाहे वो मेरे खिलाफ हो या कुछ भी हो, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन किसी पुलिस वाले का या किसी निजी बीच में बोलते हैं ना दलालों का फोन मेरे पास नहीं आना चाहिए। और ये लड़ाई जारी रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।